भैया सुनो, किसी का नहीं अच्छा किया जाएगी आपने कोई विषय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ी, यूपी एटीएस ने शुरू की पाकिस्तान टू भारत की यात्रा। इन दिनों पाकिस्तान से आई सीमा हैदर देश के चारों तरफ छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन उनको लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के एटीएस ने सीमा हैदर को लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल होते हुए अपने प्रेमी सचिन से मिलने भारत आई थी। सीमा ने यह यात्रा कैसे की, यूपी एटीएस के अधिकारियों ने अब इसकी जाँच शुरू कर दी है। पाकिस्तान टू भारत यात्रा के दौरान सीमा ने किस किस से बात की, बातचीत के दौरान उसने कितने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया, एटीएस के अफसर यह पता लगाने में जुट गए हैं। साथ ही यूपी एटीएस सीमा के परिवार के बैकग्राउंड को भी खंगाल रही है। हाल में ही सोशल मीडिया पर सीमा हैदर को लेकर कई अफवाहें उड़ी है, जिनमें एक अफवाह यह भी है कि पाकिस्तान की जासूस है। तभी से कई लोग यूपी एटीएस से सीमा हैदर को पूरे मामले की जाँच की मांग कर रहे थे। घर के बाहर सादे कपड़े में पुलिस तैनात कर दी गई है सीमा हैदर के। वहीं सीमा हैदर के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था, हालांकि वह अभी जमानत से बाहर आई थी। सूत्रों के मुताबिक नोएडा पुलिस सीमा की जमानत याचिका खारिज करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दखल के बाद नोएडा पुलिस सतर्क हो गई है। सीमा हैदर जहां पर रह रही है उसके घर के बाहर सादे कपड़े में पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस को शक है कि सीमा फरार हो सकती है, इस वजह से पुलिस कोर्ट से सीमा की जमानत के खिलाफ आज एक याचिका दायर कर सकती है। सीमा हैदर जब भारत आई तो उन्हें बताया गया कि पबजी की गेम खेलने के दौरान वे सचिन से संपर्क में आई थी। गेम खेलने के दौरान सचिन से बात होती थी, फिर दोनों मोबाइल के जरिए एक दूसरे से बात करने लगे। बातचीत मोहब्बत में बदल गई। इस समय सीमा नोएडा के रबपुर गांव में सचिन के घर पर रह रही है और सीमा अपने साथ चार बच्चे को भी लाई थी। हाँ तो भी क्या है ये? ये कट है सर। कैसे बॉर्डर पार करते लगे? इनसे लड़ाई में लगे, अभी तो ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ भारत। चला कि यहाँ गुस्सा जाए, इनको समझा दें। सास तुम्हारी जितने आपको क्यूट लग रहे हैं इतने क्यूट ना है। हाँ सच में बहुत लड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, और वो वहीं पे ये बीड़ी बीड़ी पी देते तो मन। जैसे एक बार को, जैसे आपको आपकी वजह से, ये तो मैं आपकी वजह से कहूँ, आपकी वजह से सचिन को, सचिन के पापा को जेल में रहना पड़ा, ये तो ये सचिन के क्या लगते हो? सचिन को भैया छोटो, वो तो बहुत जाई आई है। हाँ, कैसी लगी? मस्त। खाना वाना बना के खिलाया? नहीं अभी तक तो ना खिलाया, अभी तक तो इंट्रोडक्शन ही हुआ हमारा। अनंत भाई हो गया, कैसी लगी? जहर बता तो दी, कई बार तो बता दी। अच्छा, तो वो जो शैतान देवर होते हैं उसी टाइप के हो तुम भी? होली वोली खेलोगे अब तो खूब? जब तक शायद, मतलब जब तक देवरी एंजॉय ना करेगा भाई तो और कौन करेगा फिर? बाहर के काग रंगे। तो जैसे पाकिस्तान से आई हैं तो जांच वाँच हो सकती है, तुम भी नप सकते हो, लगा नहीं कभी ऐसा? मैं कोई बात ना, हम भी चले जाएंगे। और देखें देवर नाराज ना रहेगा तो कार्य के बाद लगा रखी है, हम बाहर खड़े कर रखे हैं। गदर फिल्म जाएंगे 11 अगस्त को देखने भी। पहली वाली गदर तो देखी होगी? दोनों ने देखूंगा, पहली तो देख ली। तो लग रहा है कि है कोई बात ना, हम छोटे तारा सिंह हैं, छोटी बहन होगी तो हम भी चले जाएंगे।